वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 4.2 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सॉल्यूशन है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, आपके न्यू सिलेबस जो कि आपका 2023 एंड 2024 का आप सभी का न्यू सिलेबस आया है एकदम उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मैथड, हमें इनको सॉल्व करना है किससे, तो बाई फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। ये हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मैथड। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो 100% आप इसका सॉल्यूशन बहुत ही ईजिली कर पाएंगे और आपको इसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, हमें इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो हमें क्या करना है, ऐसे हमें दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाए 10 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है तो 10 आए, और जिनका प्लस या माइनस करने पे क्या है 2 आए। यही हमारा होता है फैक्टराइजेशन मैथड। जो भी हमें कॉन्स्टेंट पार्ट दिया है, हमें ऐसा एक नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले 10 मिले। दो नंबर्स फाइंड करें जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले और जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 3 आ जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 टू जा क्या होता है 10 होता है, और 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर लें तो क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। अब हम एक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर हम क्या कॉमन कर लें एक्स, और यहाँ पर कॉमन कर लें 2। तो जब यहाँ पे हम x कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 5, और यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, यानी x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2 और x इक्वल टू होगा 5। ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू में 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू में 0। हमें इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है। जब भी ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाएं हमें करना क्या होता है इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 6 12। ठीक है, कभी भी एक्स स्क्वायर के पहले अगर आपको कोई नंबर हो 1 के अलावा तो हम पहले इसको कॉन्स्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 हो गया 12। अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 12 आए, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 12 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या मिले हमें, तो इसका एक्स का कोफिशियंट और एक्स का कोफिशियंट क्या है 1 है। तो यहाँ पे पॉसिबल पेयर क्या होते हैं 2 6 12 होता है, 4 3 12 होता है। तो और तो यही हमारा एक पॉसिबल पेयर है जहाँ पे दो नंबर्स का डिफरेंस कितने का है 1 का है, तो हम 4 और 3 को ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होगा 2x² + 4x माइनस 3x - 6 इज इक्वल टू में 0। तो अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लें और यहाँ पे 3 कॉमन लें, तो 2x कॉमन लेने पे x प्लस 2 और यहाँ माइनस 3 कॉमन करने पे x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0, यानी 2x - 3 and x + 2 इज इक्वल टू में 0, यानी 2x - 3 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा बाई 0 प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा 2x = 3, x क्या आएगा 3/2, या फिर हमें क्या मिलेगा x = -2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हमें क्या दिया है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये हमें दिया है। तो मैंने क्या बताया, जब भी हमें एक्स स्क्वायर से पहले कोई नंबर दिख जाए तो इसका हम पहले कॉन्स्टेंट वाले में करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ √2x² है, क्या यहाँ पे तो √2x² है, तो √2 का हम पहले 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा √2 × 5√2, जो कि √2 क्या होता है 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, क्या मिल गया 10। तो हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, लेकिन जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, हमें 7 मिल जाए। तो ये हमें मिल गया √2x². आप जानते हैं कि 5 × 2 क्या होता है 10, और 5 + 2 कितना होगा 7 होगा, तो 5x + 2x + 5√2 = 0। अब हम यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते हैं सिवाय x के,
तो अगर यहाँ पे हम x को कॉमन करेंगे तो रूट टू एक्स प्लस फाइव हमें मिलेगा। और देखो यहाँ पे आप 2 है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास अगर 2 एक नंबर दिया जाए तो हम 2 को लिख सकते हैं रूट टू इंटू में रूट टू, ठीक है। यानी यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में हमारे पास क्या है रूट टू है, तो रूट टू हम कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आने बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारे यहाँ पहला फैक्टर बनेगा एक्स प्लस रूट टू, दूसरा फैक्टर हमारा बनेगा रूट टू एक्स प्लस फाइव। ये हमारे दो इसके फैक्टर्स आ गए, यानी एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू में जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें माइनस रूट टू, और रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू में जीरो, तो रूट टू एक्स आ गया माइनस फाइव, एक्स क्या आएगा माइनस फाइव बाई रूट टू। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमने बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर थ्री वन का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट फोर। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट फोर में हमें दिया है उनकी 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो। तो मैंने आप सभी को क्या बताया, पहले हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 इंटू 1 क्या होगा 100 हो गया। अब हमें दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 100 है, लेकिन जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, जिनको प्लस या माइनस करने पे 20 है। तो 10 इंटू 10 क्या होता है 100, और 10 प्लस 10 क्या होता है 20। यानी 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो। तो अगर यहाँ पे हम 10 कॉमन लें, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों में 10x कॉमन ले सकते हैं, तो 10x क्या होगा 10x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू में जीरो। यानी 10x माइनस 1 एक पहला फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर भी क्या होगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू में जीरो। यानी क्या होगा, तो 10x माइनस 1 इक्वल टू में जीरो और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू में जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10x आ गया हमारा 1, x आ जाएगा हमारा 1/10। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, x हमारा 1/10। ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट अब 5 का सॉल्यूशन था, सॉरी ये पार्ट 5 था। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आप इसको चेक कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले मैंने 5 का सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया, देन हम लोग 5 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ हमें क्या दिया है, तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू में जीरो। ये हमें एक क्या दिया गया है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे 8 को एज ए एलसीएम ट्रीट करेंगे, तो हम इसका एलसीएम क्या लेंगे, तो 8 हो जाएगा, 8 × 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो। यानी इसको हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो, क्योंकि 8 इंटू जीरो क्या होता है जीरो होता है। अब मैंने आप सभी को बताया था कि जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर हो तो पहले इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 1 16 होता है। और हम दो ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो लेकिन प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 8 आ जाए। तो हम जानते हैं 4 जा कितना होता है 4 × 16, और 4 + 4 हमारा क्या होता है 8। यानी 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू में जीरो। यहाँ पे अगर हम 4x कॉमन लें तो x 4x माइनस 1, यहाँ पे हम माइनस 1 कॉमन लें 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में जीरो। यानी 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 4x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा और 4x माइनस 1 इक्वल टू जीरो होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 1/4। और यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू में 1/4। तो ये आप सभी के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, देन 3, 4 एंड 5 एंड 6। थैंक यू।